एआईएमआईएम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और हलके याकूतपुरा एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने हैदराबाद एमपी और एआईएमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से खास मुलाकात की है। एमएलए अहमद पाशा खादरी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को डिमांड किया है जो सिंगरिनी कॉलोनी में 5 साल मासूम बच्ची के ऊपर जो रेप कर कत्ल किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी और कानूनी कार्रवाई करने का डिमांड किया है। उन्होंने ये कहा है फौरी पुलिस एक्शन में आकर उस 5 साली मासूम बच्ची के घर वालों के साथ इंसाफ करें और खातिल को फौरी गिरफ्तार करें, उन्होंने डिमांड किया है। हमारे नुमाइंदे हल्के चंद्रन गुट्टे के रिपोर्टर शेख जावेद की खास रिपोर्ट। कॉलोनी में कल रात में एक वाक्य हुआ, एक कमतिन बच्ची का रेप किए और उसका मर्डर भी हो गया। ये इत्तला मिलने पर मैं आया था और उन लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है जिसकी बच्ची मरी है, और कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनसे नुमाइंदगी किया। उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि जिसकी बच्ची मरी है उसको गवर्नमेंट से एस्पिरेशन दिया जाए, डबल बेडरूम का एक मकान दिया जाए, और उनके लोगों में कोई है नौकरी के काबिल तो उनको नौकरी भी दिया जाए। यह हादसा जितना इस पर मजम्मत करे कम है। इंसानियत सोच वाकया है और हमारे मुल्क की जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। हम ये वाक़े के ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं। मरने वालों के खानदान से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजीद और भी जो भी उनके लिए कार्रवाई होगी हम बराबर करेंगे। नकीब मिलत बरसौदी ने साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर पुलिस सुनवाई दी थी। हमारे काउंसलर मुजफ्फर साहब संतोष नगर काउंसलर भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह बाद में हालात का जायजा लेके बात करेंगे।